अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटका के कानपुर में हुआ था। करीम के पिता रेलवे में कर्मचारी थे। पिता का देहांत कम उम्र में ही हो जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां करीम पर आ गई थी। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर फल सब्जी बेचने का काम किया और किसी तरीके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उन दिनों कमाई के लिए सऊदी जाने का चलन काफ़ी था। ऐसे में करीम ने भी कमाई के लिए सऊदी की राह पकड़ ली थी और यहीं से वो पैसे कमाने का आदि बनने लगा था। सऊदी अरब से 7 साल बाद वापस लौटा करीम सीधे मुंबई पहुंचा। उस समय 1980 का दशक था और फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम भी होता था। ऐसे में करीम ने भी फर्जी पासपोर्ट का धंधा शुरू किया था। उसका काम चल ही रहा था कि 1991 में करीम को मुंबई पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहने के दौरान वहीं के कैदी ने करीम को बताया कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद अब शेयर मार्केट में स्टैम्प पेपर से कमाई हो रही है। इसके साथ ही करीम को ये भी जानकारी मिली कि अब लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सिक्योरिटीज से रेवेन्यू स्टैम्प निकालने लगे हैं। यहीं से उसके दिमाग में स्टैम्प पेपर का धंधा शुरू करने का खुराफाती आइडिया आया और जेल से बाहर आते ही उसने स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस मिलने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने पहले महाराष्ट्र में अपना नेटवर्क फैलाया। बैंकों, इंश्योरेंस कंपनी और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म को फर्जी स्टैम्प बेचना शुरू किया। इन डिपार्टमेंट के कई कर्मचारियों और अधिकारियों को भी उसने रिश्वत खिलाकर अपने साइड कर लिया। जैसे ही महाराष्ट्र में उसका बिजनेस जम गया तो उसने इसका एक्सपेंशन करना भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बाद उसने एक के बाद एक लगभग 16 राज्यों में अपना नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया था। हर जगह उसके फर्जी स्टैम्प पेपर जमकर बिकने लगे। यहाँ से उसे अब करोड़ रुपए मिलने लगे थे। अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के कारोबार और पैसे का हिसाब रखने के लिए MBA कर चुके करीब 300 लड़कों को नौकरी पर रखा था। स्टैम्प बेचने के लिए भी उसने पढ़े लिखे लड़कों को अपनी टीम में शामिल किया था। ये लड़के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट कर उन्हें मोटी कमीशन का लालच देते थे और इस वजह से तेलगी के फर्जी स्टैम्प आसानी से बिक जाते थे और उसका काम बढ़ता जाता। दोस्तों, तेलगी ने नासिक की सरकारी टकसाल से पुरानी और खारिज हो चुकी मशीनें खरीदी थी जिससे स्टैम्प पेपर पर सिक्योरिटी मार्क छापा जा सके। इससे 10 रुपए का स्टैम्प पेपर अब 1000 का हो गया था क्योंकि इसे छापने की तकनीक एक ही होती थी। इसलिए एक ही मशीन से करोड़ों रुपए वैल्यू के स्टैम्प पेपर छापे गए। और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक ये कोई कभी नहीं जान पाया कि उसने वो फर्जी पेपर कहाँ छापे। अब्दुल करीम तेलगी का काम बिल्कुल सीधा था और इसी वजह से वो सिस्टम में दाखिल हो पाया। वो पैसा, ताकत और राजनीति पावर का इस्तेमाल करता था। अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता था तो वो उस व्यक्ति के ऊपर या नीचे बैठे शख्स के पास जाता, उसे रिश्वत देता और काम करा लेता था। अब्दुल करीम तेलगी काफी शौकीन मिजाज का आदमी था। उसे बार में जाकर डांस देखने का काफ़ी शौक था। इसके लिए वो मुंबई के कई जाने माने बार में भी जाता था। वहाँ अगर कोई बार गर्ल उसके मन को लुभा जाती थी तो वो उस पर लाखों रुपए लुटा भी देता था। तेलगी पर फेक स्टैम्प का मामला 1995 में दर्ज किया गया था लेकिन अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से वो बचता रहा। लेकिन नवंबर 2001 में तेलगी को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया और घोटाले के आरोप में साल 2006 में उस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे 30 साल की सजा सुनाई गई। 1992 से 2002 के बीच तेलगी पर महाराष्ट्र में ही 12 मामले दर्ज किए गए। 15 और मामले देश के अन्य राज्यों में दर्ज किए गए मगर उसकी सरकार, अधिकारियों और सिस्टम में ऐसी पकड़ थी कि उसका धंधा चलता रहा। साल 2001 में अजमेर में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान तेलगी ने जांच अधिकारियों को कहा कि फर्जी स्टैम्प पेपर आजादी के बाद से ही चलन में है। मैं महज एक छोटा खिलाड़ी हूँ, मुझसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। ये पेपर मेरे बाद भी चलता रहेगा, आप इसे रोक नहीं सकते। 2017 में अब्दुल करीम तेलगी लगभग 20 सालों से डायबिटीज और कई बीमारी से पीड़ित थे। अब्दुल करीम तेलगी को HIV और एड्स भी था। अक्टूबर 2017 में बेंगलुरु के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तेलगी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और 31 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने सबूत के अभाव में, यानी कोई भी सबूत ना मिलने के कारण, स्टैम्प पेपर घोटाले के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी उन्हें रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।